Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me no more. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मिर्चा। दोस्तों, ये वाला मेकअप लुक मैंने आप सबके साथ शेयर किया था मिनिमम बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ, और ये वो बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिसका मैंने एक और वीडियो आप सबके साथ शेयर किया था कि बिगनर्स मेकअप किट में मिनिमम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये दोनों वीडियोज़ मैंने पहले ही शेयर किए हुए हैं। आज इन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज़ करके मैं एक और नया लुक क्रिएट करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट सीधे करूंगी मेकअप से। स्किन केयर मैंने कर लिया है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप मेकअप स्टार्ट करें उसके पहले आप अपना स्किन केयर कर लें। तो स्किन केयर में मैंने अपना फेस वॉश करने के बाद टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था स्किन पर, एंड लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैंने लिप बाम अप्लाई कर लिया था। तो अब स्टार्ट करेंगे मेकअप। उसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ये गार्नियर का बीबी क्रीम। इसको मैं डॉट्स में अप्लाई करूंगी और इसकी मैं दो कोट्स अप्लाई करूंगी, क्योंकि वन कोट में ये थोड़ा शेयर कवरेज देती है, इसलिए मैं इसकी दो कोट्स अप्लाई करूंगी। और इसके लिए मैं कोई भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं करूंगी, इसको मैं अपने हैंड्स की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। इसको इस तरीके से डैबिंग मोशन में अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छा सा आपको कवरेज दे देगी। तो यहां पर मैं इसका दूसरा कोट लगाने जा रही हूं। तो गार्नियर की जो बीबी क्रीम है, ये जो है ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो आप इसकी जगह पर पॉन्ड्स की बीबी क्रीम या फिर जो फेयर एंड लवली की यानी ग्लो एंड लवली की बीबी क्रीम आती है वो ले सकते हो, वो आपको ज्यादा बेटर सूट करेगी। तो बीबी क्रीम से मतलब है ब्रांड आप कोई सा भी यहाँ पर परचेज कर सकते हो। तो दो मिनट का वेट करेंगे दोनों कोट्स के बीच में भी, और दोनों कोट लगाने के बाद भी दो मिनट का वेट करेंगे। इसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ लैक्मे 925 का ये मैट कॉम्प्लेक्शन कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका शेड है मेलन मैट, और ये हमारे फेस को मैट लुक भी देता है, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा अगर ऑयलीनेस आपके फेस पर हो गई है तो इसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके बाद मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का ये अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, जिसका शेड नंबर है 04, और इसका ये वाला शेड लेकर इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, क्योंकि यहां पर मैंने आईब्रोज के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है। इस तरीके का एक एंगुलर ब्रश लेंगे और इससे हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट शेड है, तो बिल्कुल नेचुरल सा लगता है आपकी आईब्रोज पर। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मार्स का ये पैलेट यूज कर रही हूँ, आई शेडो पैलेट, जिसका शेड नेम है सॉफ्ट ग्लैम। एंड इसका अब मैं लूंगी ये जो ये लाइट पिंक मोविश सा शेड है जो है, इसको मैं लूंगी, और इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ। इसको हम अपनी क्रीज पर अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इसको अपनी ट्रांजिशन की तरफ भी लेकर जाएंगे। जब सारा शेड आप जो है क्रीज पर डिपॉजिट कर लो और आपके ब्रश में कोई भी शेड नहीं बचे, तो उसके बाद इसको ट्रांजिशन की तरफ ले जाएंगे और इससे अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। इसके बाद इसके नीचे जो ये वाला प्लम शेड है इसको लेंगे और इसको हम अप्लाई करेंगे, बट इसके लिए मैं पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, थोड़ा छोटे साइज का, इस तरह का पेंसिल ब्रश ले रही हूं मैं। इसको हम अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करेंगे।
थोड़ा सा डार्क करेंगे इसको, और उसके बाद पहले वाला जो फ्लफी ब्रश था उसको लेके इसको ब्लेंड करेंगे। अब एक इस तरीके का फ्लैट ब्रश लेंगे और इस पर हम ये वाला जो शिमरी शेड है लाइट शैम्पेन सा, इसको लेंगे और इसको अपनी लिट्स पर अप्लाई करेंगे। इसको मैंने करीब 1/3 एरिया तक अप्लाई कर लिया है, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक, और इसके बाद मैं ये थोड़ा सा और डार्क वाला शेड लेके इसको आउटर वी पर अप्लाई करूंगी। और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद एक फ्लैट ब्रश पर इस तरीके का जो ये डार्क शेड है इसको लेंगे और इसको अपने आईज के नीचे वाले एरिया पर यहां पर अप्लाई करेंगे। इससे हमारी आईज में काजल की कमी नहीं नजर आएगी। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी आईज भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों आईज कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद मैं लगाने जा रही हूं ये फेसेस कनाडा का मैग्नेटाइज आईलाइनर। आईलाइनर के बाद मैं ये मार्स का फैबुलैश मस्कारा यूज करने जा रही हूँ। काफी अच्छा ये आपके आईज को लुक देता है और काफी ज्यादा आपकी जो आईलैशेज हैं उसको बोल्ड दिखाता है। आपको बिल्कुल भी फॉल्स आईलैशेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी दो दो कोट अप्लाई करेंगे। अब स्विस ब्यूटी का मैं आई शेडो पैलेट लूंगी और उसका जो ये वाला शेड है इसको लेकर मैं इससे अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूंगी। अब मार्स का आई शेडो पैलेट मैं फिर से ले रही हूं और उससे मैं लूंगी ये वाला शेड लूंगी मैं। इससे मैं अपने फेस पर ब्लश अप्लाई करूंगी। इसके बाद जो ये वाला शेड मैंने आई शेडो के लिए यूज किया था इसको लेके मैं हल्के से अपने फेस पे हाईलाइटिंग करूंगी, बहुत हल्के से अमाउंट में। इसी ब्लश ब्रश पर मैं ले रही हूं। फाइनली आ जाती है लिपस्टिक की बारी। इसके लिए मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये बुलेट लिपस्टिक और इसका शेड नंबर है 12 एटीट्यूड। बहुत ही अच्छा मैट लिप शेड है ये और आप देख सकते हो कितना अच्छा एक मोविश पर्पलिश पिंक कलर है। तो काफी ज्यादा आउटफिट्स के साथ ये चला जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है ये। एंड तुरंत लगाने पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ट्रांसफर हो रहा है, बट आप थोड़ी देर इसको लगाकर रखोगे आधे पौने घंटे के बाद ये अच्छा हो जाता है, ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। 100% तो नहीं बोलूंगी बट 95% ये ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है और काफी देर तक आपके लिप्स पर टिका रहता है। Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. You love me, love me, love me.
touch me, touch me, touch me no more.